नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत गुजरात से। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता चुनाव को जीतने के लिए हर तरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई है, और खबर ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गुजरात में दिल्ली मॉडल लेकर पहुंचे, गुजरात में पीएम मोदी गुजरात मॉडल को लेकर चल रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का मॉडल लेकर गुजरात पहुंच गए। यानी कि कई मॉडल जो है अब वो कई मॉडल जो है वो गुजरात में अब लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर गुजरात चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए जितना ज्यादा जरूरी दिखता नजर आ रहा है, वही ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उनके लिए भी मायने रखता है। हालांकि अगर बात करें तो जो मौजूदा समय के हालात हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि शायद गुजरात चुनाव में इस बार सबसे बड़ा जो खेला है वो होता नजर आएगा। आम आदमी पार्टी बीते काफी महीनों पहले ही गुजरात में पहुंच गई थी, और ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के गुजरात में उतरने के बाद से बीजेपी नेताओं के जो पसीने छूटे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि क्या गुजरात बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बता दें कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला लें, हो सकता है कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लें, क्योंकि गुजरात का चुनाव एक पार्टी अकेले नहीं जीत सकती। तो ऐसे में क्या बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, या अगर मैं जिक्र करूं कांग्रेस की, जो कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर अगर एक गठबंधन करते तो क्या पूरी तरह बीजेपी को हरा पाएंगे? आगे क्या कुछ और अपडेट रहेगा, इस पर लगातार अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।